ओ परमात्मा, ओ वाहिगुरु, अकाल पुरख, जिन्हों असी हजारां अनेकां ही नामां नाल याद करते हैं, जद भी वह किसी नूं रोशनी देना चाहता है, अपने नाल अपने साथ मिलाना चाहता है, वह अपनी कला या अपनी ताकत किसी इंसान के अंदर रखता है। जद का संसार बनया है, साडे इतिहास दसदे हन कि जद भी परमात्मा ने किसी नूं रोशनी दित्ती, किसी ना किसी संत सतगुरु के जरिए ही दित्ती है। दुनिया के अंदर वली आए, पैगंबर आए, अवतार आए, संत महात्मा भी आए, उन्होंने इतिहास पढ़न तो पता लगता है या उन्होंने पिक्चर देखने तो पता लगता है कि वो इंसाना जैसी शक्ल लेके ही आए, दुनिया के कारोबार किए, जो भी जिम्मेवारियां मिली सी निभाइया, दुनिया के विच रहिंदिया होया ने शब्द नाम की कमाई की, जिन्हां जिन्हां नूं हुक्म हुंदा है कि इन्हां जीवां नूं तुसी साथ लिआउणा है, नाम का शब्द का भेद देना है, वो उन्हां उन्हां नूं दे के उन्हां नूं शब्द के नाल जोड़ के आखिर अपने असली रूप में जाके समा जांदे है। जेल के अंदर साडे सतगुरु महाराज जी दसदे हुंदे सीगे कि जेल के अंदर कैदी भी हुंदे है, कैदी बीमार भी हुंदे है, और उस जेल के अंदर सुपरडंट या डॉक्टर भी जाता है, वो जदों मर्जी है डॉक्टर और सुपरडंट जड़ा है जेल का जा आ सकते हैं, लेकिन वो कैदियों की तरह कैदी नहीं, वो अंदर नहीं रह सकते गे। इस तरह असी जीव भी दुनिया की तरह वो कैदियों की तरह कैदी हैं, असी अपनी मर्जी नाल उस परमात्मा नूं मिल नहीं सकते, अपने आप बुद्धि बल दे नाल असी मिल नहीं सकते गे, जब तक वो मालक सानू अपने नाल ना मिलावे, अपने प्यारियां दे नाल ना मिलावे। सो संत महात्मा इस संसार दे अंदर उन्हां कैदियों की तरह नहीं आउंदे गे, वो आजाद आउंदे है, जब चाहुण वो संसार चों जा सकते हैं, जब चाहुण वो पर्दा भी पा सकते हैं, ला भी सकते हैं। इस वास्ते आप प्यार दे नाल सानू दसदे है, साडी आत्मा पहला सचखंड दे विच सी, उस परमात्मा दे विच अभेद सी, उत्थों इह महाकाल दे पास आई, महाकाल ने इस नूं काल दे सुपुरद कर दिता, काल ने इस आत्मा दे उत्ते स्थूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पर्दे चाड़ दिते और नाल इंद्रियां लगा दित्तियां, इंद्रियां नूं वहां खैशां दे वस कर दिता, और असी इत्थे आके भुल गए हैं, आपदे असली देश की याद भुल गए हैं कि असी किस देश दे रहण वाले हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है, सूहट बिंजर प्रेम का बोले बोलन हार, सच चुगे अमृत पिया उड़ै त एक वार। जिस तरह तोता पिंजरे दे नाल प्यार करता है, कई किस्म दीयां बोलियां बोलता है, उन्हूं उस नाल प्यार पै चुकिया हुंदा है, बेशक आपां उसनूं आजाद भी करिए फिर भी वह पिंजरे दे विच आ जांदा है। आप कहण लगे कि जे वह आजाद होना चाहुंदा है तां उड़ै तां एक वार। इस तरह यह जिसम जिहड़ा है, गुरु नानक साहिब कहिंदे तोता है, यह जिहड़ा जिसम है यह पिंजरा है, साडी आत्मा तोता है, इस पिंजरे दे नाल प्यार पा के साडी आत्मा कई किस्म दी बोलियां बोलदी है, जिस प्रांत विच जाके जन्म लैंदी है, जिस समाज विच जाके जन्म लैंदी है, उहो जिहियां इह बोलियां उस समाज दे मुताबक या उस प्रांत दे मुताबक यह बोली अख्तियार करदी है। आप कहण लगे सच चुगै अमृत पीऐ, अगर यह उस अनहद शब्द दा, उस सच शब्द दा चोगा चुगे उड़ा तां एक वार। आप कहण लगे इस संसार विच एक बार ही आए, उड़ा तां एक वार, मुड़ के इस देश काल दे देश विच जिसनूं महात्मा ने रोगी करके बयान किया है, फिर आउण दी जरूरत नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है, संसार रोगी नाम दारू मैल लगै सच बिना, संसार रोगी है। असी कहांगे नहीं जी असी तंदुरुस्त हैं, सानू कोई रोग नहीं, एवें एक दूजे का भुलेखा है,
जिन्हों कोई जिसम का रोग नहीं उन्हों दुनिया दिया परेशानियां चिमड़ियां हुई है, मौत का डर लग्या पिया है। अगर शादी नहीं हुई तो दिन रात तड़फते फिरते हैं, अगर शादी हो जाती है मियाँ बीबी की बेतफाकी हो जाती है वह घर नरक बन के रह जाता है। अगर औलाद घर दे विच नहीं पैदा, बच्चे नहीं पैदा तो भी असी तड़फते फिरते हैं। अगर बच्चे कहे कार ना हो या उन्हां दी जवानी वेरे मौत हो जावे, तुसी सोच के देख सकते हो सारी शांति भंग हो जाती है, उन्हां दे विचों दुख और मुसीबतां चलनियां पै जांदियां हन। इस वास्ते सारे महात्मा ने इस संसार नूं रोगी करके परेशानियां दा देश करके बयान किया है। आप कहन लगे इन्हां रोगां दी दवाई इको ही है, वह है नाम। जिस तरह सानूं बुखार चढ़ जांदा है, मलेरिया हो जाता है, सब नूं इक्को किस्म की दवाई दिती जांदी है, कुनैन दिती जांदी है। ये नहीं उस शीशे के उपर कोई लेबल लग्या हुंदा कि हिंदुआ नूं दवाई फायदा करेगी या ईसाइयां नूं फायदा करेगी या यह कर्नाटका के देश वालों नूं फायदा करेगी, ये पंजाब या राजस्थान दे लोगों नूं नहीं फायदा करेगी। नहीं, किसी नूं भी बुखार है मलेरिया, सिर्फ दवाई पीण की जरूरत है और वो दवाई हर एक नूं बिला लिहाज और बगैर किसी वितकरे दे फायदा करेगी। इस तरह संतां महात्मा का जो नाम है, शब्द है, अंदरला भेद है, वो किसी कौम या मजहब का वो परसनल जायदाद नहीं गी। वो हर मजहब हर मुल्क का आदमी उसका हकदार है। जो भागा वाला उस नाम ना जुड़े वो ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और वह नाम ना हिंदी च लिखा जा सकता है, ना किसी होर भाषा में लिखा जा सकता है। वह नाम तो बिना लिखा कानून है, बिना बोली भाषा है। इस वास्ते महात्मा उस नाम के नाल जोड़ते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, खत्री ब्राह्मण वैश उपदेश चौं वर्णा को सांझा। कहते शूद्र है, खत्री है, वैश है, ब्राह्मण है, चार वर्णा च कुल दुनिया कुल आलम आ जाता है। कहन लगे साडा जो उपदेश है संता महात्मा का वह सब नू इको ही है, सांझा ही उपदेश है। आप कहन लगे गुरमुख नाम जप उधर कलमे नानक घटघट मांझा। वो नाम गुरमुखां गुरमुख साधु जन साडे अंदर टकाउंदे है। जो उस नाम की कमाई कर सकते हैं उस उधार हो सकता है। इत्थे कौम का सवाल नहीं, मजहब का सवाल नहीं, किसी मुल्क का सवाल नहीं गा, पढ़े या अनपढ़े का सवाल नहीं। गुरु साहब प्यार ना कहंदे है, जो प्राणी गोबिंद ते आवै पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। आप कहन लगे जिहड़ा नाम की कमाई करता है उही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सो आप प्यार दे नाल स्वामी जी महाराज का छोटा जिहा शब्द आपके अगे रखा जाता है। आप कहंदे है जद भी वह परमात्मा जीवां नूं रोशनी दिंदा है उदो अपनी ताकत किसी इंसान अंदर रखता है। देखण दे विच जरूर इंसान हुंदा है लेकिन साढ़े इंसानों तो उपर हुंदा है। जिस तरह एक पढ़िया लिखिया आदमी है वह भी इंसानों की शक्ल रखता है, एक बेचारा अनपढ़ कोले बैठा है वह भी इंसानता है, लेकिन उन्होंने क्लासीफिकेशन दे विच लियाकत दे अंदर फर्क हुंदा है। इस तरह संतां महात्मा दे और साढ़े अंदर फर्क हुंदा है। वह परमात्मा नाल मालक नाल जुड़े हुंदे है, असी हालांकि उस दे नाल जुड़े हुए नहीं हुंदे गे। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि राधा स्वामी रूप धरा नर जगत विच गुर होए जीव चिताए। उस नूं सब संतां ने स्वामी स्वामी करके बयान किया। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे है, ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाना गुण तेरे, गाव ते उधरे सुनते भी उधरे बिनसे पाप कनेरे, पशु प्रेत मुगध को तारे पहन पार उतारे, नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। आप कहन लगे इंसान तो उस नाम ना तरने सन उधार होना ही सीगा, चाहे पशु है पंछी है, अगर वह भी नाम वाले की शरण में आ जाते हैं उन्हों का भी आधार हो जाता है। साढ़े सतगुरु महाराज सावण सिंह दे वक दा एक वाकया है। उन्हां दे अमृतसर आश्रम दे अंदर एक अंब हुंदा सीगा, यह मैं पहला भी कई दफा कहानी दसी है। एक दिन वह बैठे सन जब अपनी कोठी बना रहे सन, उस दे उपर उन्हां दी दृष्टि पई। वह सेवादारां नूं कहण लगे कि जी ये बई प्यारे हो, तुसी इस नूं कट दिओ।
उन्होंने अगो कहा कि महाराज जी इस अंब बड़े मिठे है, संगत इस तो काफी छाया भी माणती है, फायदा हुंदा है, कहा चंगा होवे जी इस नूं खड़ा रहण दिओ। हुण इस संतां दे राज नूं संत जाणदे है, वह कहण लगे देखो ये दरखत दी जून विच तुहानूं अच्छा लगता है, अगर ये इंसान बन के आ जाए कि फिर तुसीं खुश नहीं होवोगे इहनूं देख के, कि फिर इदूं भी अच्छा नहीं लगेगा, कि इदूं बेहतर सेवा नहीं कर सकेगा। ईशर दास उन्हां दा इक जलंधर दा प्रेमी सेवादार सी, उहदे कोई बच्चा बाला नहीं सीगा। जद उस नूं पता लग्या उन्हें बड़ी बेनती की सेवा करदे करदे ने, महाराज जी अगर इस नूं इंसानी जामा मिलना है तो मेरे घरे ही इस नूं तुसीं जन्म दिओ, मैं तुहाडा धनवादी होऊंगा। बेशक दुनियावी चीज है, मैनू मंगनी नहीं चाहिए सी, लेकिन फिर भी जब तुसी दया ही करदे हो तो तुसी इस तरह करदे हो। उस दे करे वो बच्चा पैदा होया, और जद हजूर दे पास आए बच्चे नू लेके, कुछ वक्त दे बाद वो उन्हें ही प्रेमियां नू जिहड़े ना नुकर करदे सी कि जी दरख्त खड़ा रहण दिओ अच्छा है, उन्हां नू कहण लगे क्यों बई हुण तुसी इस ते खुश नहीं गे। उस बच्चे दा नाम आंबी रख्या सीगा। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल दसदे है कि वह संसार दे विच आउंदे है, किसे नाल कोई पक्षपात नहीं करदे गे, बल्कि वह मुफ्त दे मजदूर हुंदे है। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सी, तुसी सोच के देखो जेड़ा महात्मा साडे उपर कोई बोझा ना देवे, अपने जाति खर्च वास्ते साथों एक धेला की भी आस ना रखता होवे, पैसे की भी आस ना रखता होवे, बल्कि अपनी दसनाह दी किरत दे विचों वह लंगर दे विच पाउंदा होवे, तुसी सोच के देख लो एदों वध और एदों सस्ता नौकर होर किहड़ा मिल जाएगा। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल दसदे है, गुर होए जीव चिताए। वह महात्मा हमेशा संसार विच आए, कदे वह गुरु नानक बन के आए, दस गद्दियां चलाईयां, जिहड़े जिहड़े प्रेमी उन्हां दी शरण विच गए उन्हां तों नाम प्राप्त कीता, उन्हां दी मुक्ति हो गई। इसे तरह साडे सतगुरु महाराज जी संसार विच आए, जिन्हां ने उन्हां तों नाम लिया उन्हां दी मुक्ति हो गई है, उन्हां ने साडी जिम्मेवारी ले ली है। इसे तरह बाकी दियां दा हाल है। गुरु साहिब कहिंदे है हाँ जिन्हां कौमां दे दिल अंदर यह ख्याल हुंदा है कि संत संसार विच आउंदे ही नहीं गए, हुण उन्हां दा रस्ता ही बंद हो गया है, की है कि उन्हां दी काल ने बुद्ध दे अंदर भरम पा दिता है। आप प्यार दे नाल दसदे आ कुदरत कानून कदे बंद नहीं हुंदा गा, उन्हां कौमां दे दिलां दे अंदर परमात्मा दे मिलण दा शौक नहीं, बिरे नहीं, तड़प पैदा नहीं होगी। कबीर साहब कहिंदे आ अग्नि लगी आकाश को चढ़ चढ़ पैण अंग्यार, संत ना होते जगत में ते जल मरता संसार। आप कहणगे दुनिया तां जिस तरह वास है, वास दा जंगल है, उहदे अपने विचों ही अग्नि पैदा हुंदी है। जद मैं आस्ट्रेलिया दे अंदर गया सीगा, असीं हवाई सफर कर रहे सीगे और खुद अखां दे नाल देखिया कि बड़ी भयानक जंगलां दे अंदर अपने आप ही उहदे विचों अग लगी हुई सीगी। उत्थे किसने अग लाई सी, बल्कि गौरमेंट तां उत्थों दी बड़ी परेशान दुबदा दे विच पै के लोकां नूं बचा रही सीगी। जिस तरह जंगल दे विचों अपने आप ही अग निकलदी है, इंसानां दे विचों तुहानूं पता है किस तरह क्रोध की अग्नि निकल रही है, किस तरह एक दूसरे का सिर असीं गाजर मूली की तरह कतल कर रहे हैं, ला रहे हैं। भरा भरा दे नाल प्यार नहीं, किसे दा कौम कौम दे नाल प्यार नहीं गा। संत महात्मा जद आउंदे है वह ये संदेश लैके आउंदे है कि देखो प्यारे हो, आपां पहलां भी एक सैं परमात्मा दे देश दे अंदर, आत्मा करके आपां सारे एक हैं, अपना सदा परमात्मा एक है। एवें तुहानूं गलतफहमी पई हुई है, आओ तुसी होए एकत्र मिलो मेरे भाई। आप कहिंदे सारे तुसी साडे भरा हो, आओ एकत्र होके आपां बैठिए, दुबधा दूर करे लिवलाई। आप कहणगे तुसी अंदर जाके देखो, थोड़ी दुबधा अंदर जाके ही दूर होएगी। हर नामा के होवो जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा विछाई। आप कहण लगे तुसी सारे जाने नाम ना जुड़ के देख लो, परमात्मा ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, परमात्मा तो सब का परमात्मा है। उस परमात्मा ने कोई जात नहीं बनाई, कोई कौम नहीं बनाई गई, और ना किसी कौम जात दे नाल उहदा बितकराई है। उस सारयां दे अंदर बैठा है, पशु अंदर वह है, पंछी अंदर वह है, केड़ा है। गुरु नानक साहब कहिंदे दूजा होए सो उभरो कहीऐ। कोई होर परमात्मा ने बनाया होवे तां असीं कह दईए कि इह होर है। इस वास्ते साडी समझ दे विच तां नुक्स हो सकता है, असीं भुल सकते हैं, गलती कर सकते हैं, लेकिन वह परमात्मा शब्द रूप जो संतां दे अंदर प्रगट हुंदा है,
ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਆਰਤੀ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰ ਬਚਨ ਪੰਨਾ 6 ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤਰਾ ਨਰ ਰੂਪ ਜਗਤ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਪੀਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹੋ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਛੋਟੇ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਿਵੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਾਧ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਿਆਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਮਰਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜੀਓ ਨਾਮ ਪੜਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਸਚਿਆਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬਣੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਜ੍ਹਬ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਨਵਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਮਜ੍ਹਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤਰਾ ਨਰ ਰੂਪ ਜਗਤ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸੰਗ ਲਿਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ
गुरु मिल गया जे फिर ही संसार दे विच असी ठोकरां खानियां हन नाम दा की फायदा गुरु मिलन दा की फायदा हो सकता है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल चाहुंदे है कि संत नहीं चाहुंदे कि साडे सेवक इस संसार दे विच ठोकरां खांदे फिरन, उह तां चाहुंदे है कि इसे जन्म विच बल्कि अपने जीवन काल दे अंदर उह अपना काम बनाउण। सच्चाई तो यह है कि कोई उस्ताद नहीं चाहता, टीचर नहीं चाहता कि मेरे जितने भी शिकिरद हैं ये फेल हो जाएं या अच्छे काबल ना होन। इस तरह संत सतगुरु भी चाहते हैं कि मेरे जीवन काल विच ये जिन्ने भी शब्द की तार नाम की तार अपने अंदर प्रगट कर लेंगे उन्हें उन्नी ज्यादा खुशी होंगी है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल चाहते हैं दसते हैं कि जिन्हें जिन्ह ने भी उन्होंने बचन मनिया उन्होंने वो नाल ले गए, लेकिन सानू हिस्ट्रियां पढ़ के शर्म भी महसूस होंदी है कि उन्हां मालक दे प्यारियां नाल असीं की रसूख करदे रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज की हिस्ट्री तो सानू पता लगता है कि उन्हूं आम तौर ते लोग पिंडां दे विच वड़न नहीं दिंदे सीगे कि इहदी अकल ठीक नहीं, ये उपदेश ही ठीक नहीं करदा गा। जन्म साखी विच आउंदा है कि कसूर दे इलाके दे अंदर एक पिंड विच रात ना रहण दित्ती, बल्कि कोड़ी दी कुटिया विच गए, कोड़ी का कोड़ता दूर हो गया। लेकिन तुसी दुनिया नू समझी सकते हो किड्डा महात्मा चोटी दा सीगा, कुल मालक संसार विच आया, असी उन्हां नू कराइया किया और उन्हां दे उपदेश नू ना सुनिया। इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है कि जिन्हां जिन्हां ने समझ के उन्हां दे बचन नू मन्निया कमाई कीती उन्हां नू अपने नाल ही लै गए है। कबीर साहिब कहिंदे है पारस में और संत में बड़ा अंतरो जान, वो लोहा कंचन कर ले वो कर ले आप समान। पारस एक पत्थर हुंदा है, बजुर्गां तो सुनदे हुंदे है कि उहदे विच ये ताकत हुंदी है कि वो लोहे नू आपां ला दईए, लोहे नाल टच कर दईए तां उस दा सोना बन जांदा है, लेकिन वो पारस नहीं बना सकदा। संतां दे विच ये फर्क हुंदा है, संत अपना ही रूप जीव नूं बना लेंदे है, संत ही बना लेंदे है। गुरु साहिब कहिंदे नानक गुर ते गुर पए देखो तिसकी रजाए, ये उसकी रजा हुंदी है, दया हुंदी है जी। जिन जिन माना भजन समझ के तिनको संग लगाए, कर सतसंग सार रस पाया, पी पी तृप्त अघाए। जिन्हां दे उच्चे भाग सन उन्हां दे सत्संग तो फायदा उठा गए, रोज सत्संग विच आए, सत्संग नूं समझिया, कहण लगे अंदरों जो नाम दा रस सी, शब्द दा रस सी, उस नूं पी के उह तृप्त हो गए। हाँ जी, अरे सतसंग सार रस पाया, पी पी तृप्त अघाए। गुरु संग प्रीत करी गुण ऐसी, जस चकोर चंदाए। लगे सत्संग सुन के अभ्यास करके नाम की कमाई करके उन्हां दे अंदर सुत्ता पिया प्यार जाग पिया, किस तरह की गुरु दे नाल उन्हां दी प्रीत होई, जिस तरह चकोर दा चंद्रमा दे नाल प्यार हुंदा है। पुन्या दी रात नूं चकोर बैठ जांदा है टिकी टिकी लगा के, वो अख बंद नहीं करदा, चमकदा भी नहीं कि मता ये चंद्रमा छुप जाए, मैनू मिले या ना मिले। बेशक गर्दन च तकलीफ होने लग जाती है, लेकिन वह वसा नहीं करता गा। इस तरह आप कहन लगे कि सिखां दी गुरु दे नाल प्यार मुहब्बत हुंदी है, जिस तरह चकोर और चंद्रमा दी हुंदी है जी। गुरु संग प्रीत करी उन ऐसी, जस चकोर चंदाए। गुरु बिन कल ने पढ़त कड़ी एक, दम दम मन अकुलाए। ये प्रेमियां दा हाल है, कह
लगे उन्होंने गुरु तो बगैर एक मिनट भी नहीं सांस लैन की भी फुरसत नहीं, वह भी सांस औखा ही आता है। और जिस तरह पानी तो बगैर खेती सुक जाती है, इस तरह उन्होंने आत्मा भी मुरझा जाती है कि गुरु का दर्शन नहीं होया, संतों का दर्शन नहीं होया। हुण तुसी सोच सकते हो कि ऐसे प्रेमी संगत दे विच आपां लभीए बड़े थोड़े ही मिलते हैं। बेशक असी सारे ही ये दम भरते हैं कि असी गुरु नाल प्यार करते हैं, मुहब्बत करते हैं, लेकिन आपके दिल अंदर असी कंघी मार के देखिए कि साढ़े मन अंदर की इतना तड़फ है, कि इतना प्यार है, कि इतनी मुहब्बत है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे हैं कि जब तक असी अंदर नहीं जाते गे ये सच्चा प्यार सुचा प्यार कदे उपजी नहीं सकदा गा जी। गुरु बिन कल नहीं पड़त घड़ी एक दम दम मन अपलाए, जब गुरु दर्शन मिले पाग से मगन हो ते जस आप कहन लगे ऐसे प्रेमियां जद किते भागा नाल दर्शन मिल जांदा है, कहन लगे किस तरह मगन हो जांदे है, जिस तरह गऊ सारा दिन बाहर चारा चरदी फिरदी है, जद अपने बच्चे कोले आ जांदी है, बछड़े कोले आ जांदी है, उस नूं देख के वो खुश हो जांदी है, मगन हो जांदी है, वो खड़ जाती है, आपके प्यारे बछड़े वो दुध भी दिंदी है, उसकी मैल भी मूँह साफ करती है। तुसी देख लो ममता की बजी हुई है, प्यार है, मुहब्बत है। कहन लगे एक पशु के अंदर भी इतना प्यार है, लेकिन साढ़े अंदर कहन लगे जे उच्चे भाग होंगे साढ़े अंदर भी प्रीत गुरु के वास्ते ऐसी उपज पैंदी है, ऐसी प्यार हुंदी है। मैं दसदा हुंदा है कि जो साढ़े गुरुदेव जी महाराज मेरे आश्रम में जाते होंगे सके मैं अद्धा पागल हुंदा सीगा कि ये वक्त जिहड़ा है गनीमत है, बड़ा उच्चा है। जब उन्होंने आना मैं कई दफा ये तुक बोलता हुंदा सीगा कि नाल परदेसी न्यू ना लाइए तो चाहे लख टके दा होवे कि तू हुण आया सी, मैं रज के दर्शन नहीं किते, तू हुणे चलिया जा रहा है, मेरे ते की गुजरेगी। उन्होंने अगो ये तुक नूं फिर पूरी करना एक गलों परदेसी चंगा तो जद याद करे जद रोए। साढ़े इलाके कहिंदे सी कि अजैब ने कृपाल नूं अपने उत्ते मेहरबान कर लिया है, वो इसते आशक हो गया है, लेकिन कई दफा दिल दे विच शर्म भी आनी, कई दफा आपके गुरु का धन्यवाद भी करना, असी तो जी मेले हैं लिबड़े हुए हैं, ये तो इसे की दया है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे है कि जद उच्चे भाग हुंदे है ऐसी प्रीत गुरु दे नाल पैदा हुंदी है। अगर असी सारे इसी प्रीत नूं अपना लईए तुसी देखदे हो कि सतगुरु नूं मिशन चलाउणा की मुश्किल हो जांदा है, की मुश्किल है। लेकिन असी प्यार दे नाल स्वामी जी महाराज कहिंदे है कि वड्डे भागां वाले जिहड़े जीव हुंदे है वो इस तरह मगन हो जांदे है जिस तरह गऊ बछड़े नूं देख के खुश हो जांदी है जी। जब गुरु दर्शन मिले पाग से मगन होते जैसे बछड़ा गाए, ऐसी प्रीत लगी जिन गुरमुख सो सो गुरु अपनाए। कहन लगे जिन्हां दी ऐसी प्रीत गुरु दे नाल लग गई है उन्हां दा भजन सिमरन सब कुछ हो जांदा है। इत्थे सवाल पैदा हुंदा है कि संत गुरु ये चाहते हैं कि साढ़े नाल सिख इस तरह का प्यार करन, ये महात्मा सानू समझाउंदे है। मैं राती भी सत्संग दस्या सीगा कि संतां नूं साढ़े प्यार की जरूरत नहीं, वो तो अपने गुरु के प्यार विच मस्त हैं, शीशे नूं कोई तकलीफ नहीं, कोई उसनूं देखे या ना देखे, शीशा नहीं कहिंदा कि मैनू तुसी देखो, ये तो देखने वाले की अपनी ही मर्जी है। इस तरह जिन्ना चिर असी नहीं जिस तरह उस संत ने खुद प्यार करके
अपने गुरु नूं मेहरबान कीता है, अपने अंदर प्रगट कीता है। अगर असीं भी उन्हां दी नकल करांगे तां कामयाब हो सकदे हैं, क्योंकि बेशक संत महात्मा बने बनाए घरों आउंदे हन, लेकिन इस दुनिया दे विच आके वह बड़ी कठिन तपस्या करते हैं। गुरु नानक ने 11 साल ठिकरियां रोड़ां दा विछाणा कीता, अक दा आहार कीता कि अच्छे खाने नहीं मिलते सन, आप अच्छे घराने विच पैदा हुए सन कि अच्छे बिस्तर नहीं मिलते सन। इस तरह कबीर साहब ने बहुत सारे साल खिचड़ी दा आहार कीता, राजे महाराजे उन्हां दे सेवक सन कि वह अच्छे खाने नहीं खा सकते सन, नहीं खा सकते सन। इस वास्ते साढ़े सतगुरु महाराज सावन सिंह ने 22 साल तो उन्होंने खोज ही की, और खोज करने तो बाद फिर कई कई रातां वो जागते रहिंदे, जद कदे नींद तंग करती सी उन्होंने खड़े होके एक बरागन बनाई, खड़े होके अभ्यास करते होंगे सन। इस तरह महाराज कृपाल ने अभ्यास वास्ते रावी नू चुनिया, रावी दे पानी विच गलवे जिन्ने पानी विच जाके खड़ के अपना अभ्यास करते सन कि नींद ना आ जाए। एक दिन किसी पुलिस वाले ने पूछा कि कौन है जो रात के वक्त जा रहा है, वो कहने लग्या भजन करने वास्ते जा रहा है, अगर तेरा दिल मनता है तू भी मेरे नाल आ जा। वो कहने लग्या ये थानू मुबारक होए। महाराज कृपाल आम तौर पर गूंगे पहलवान की मिसाल देंदे सन, जो लाहौर में होया है, काफ़ी मशहूर सी। वो कहन लगे कि गूंगा क्यों मशहूर होया, क्यों कुश्ती विच कामयाब होया, वो सारी रात मेहनत करता सी, कसरत करता हुंदा सीगा। इसे तरह कबीर साहब कहिंदे है, हासा सपिया ना पाया जिन पाया तिन रोए, हासी खेडे पिया मिले ते कौन दुहागण होए। आप कहन लगे कम खाना कम सौना रात नूं जागना मेहनत करनी, तद ही असी वो परमात्मा साढ़े ते खुश होकर बूहा खोलदा है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल इह समझाउंदे है, साडा मतलब इह नहीं कि सिर्फ रात जागण दे नाल ही परमात्मा मिलदा है। गुरु साहिब कहिंदे जागणा जागणा हर कीर्तन में जागणा, रात नूं चोर चोरी करदा है, भोगी भोग भोगदा है, उस नूं परमात्मा बूहा नहीं खोलदा गा। जो मालक दे रंग विच मालक दे शब्द दे विच जागदा है, शब्द नूं सुणदा है, नाम की कमाई करदा है, आप कहिण लगे उहनां नूं उह परमात्मा बूहा खोलदा है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है ऐसी प्रीत लगी जिन गुरमुख, के उन्हां दी इस तरह की प्रीत लगी है, सो सो गुरु अपना फिर बोल, ऐसी प्रीत लगी जिन गुरमुख सो सो गुरु अपनाए। आप कहिंदे जिन्हां दी इह जी प्रीत गुरु दे नाल लग गई है, ओहो हो गुरु दी गुरु नूं प्रगट कर लैंदे है, और वह गुरु दे देश चले जाते हैं, उन्हां दा भजन सिमरन विच आ जाता है। महाराज सावन सिंह जिस वक्त अपने गुरु के प्यार विच अपने गुरु के पिंड विच गए कुमाणा दे विच, उत्थों दे जिहड़े आदमी सन लोग सन वो कुछ खुशक जिहियां बातां करदे सन। सेवादारा ने कहा महाराज जी ये थोड़े नाल खुशक जिहियां बातां करदे सन, तुसी फिर भी इन्हां नाल प्यार नाल ही पेश आ रहे हो। वो हस पे कहन लगे हाँ ये तो इंसान है, ये उस पिंड विच पैदा हुए है जिथे मेरे गुरुदेव ने बालपना बताया सीगा, जिथे उन्होंने बड़े भारी नाम की कमाई की सी, और जीवां नूं अज भी वह फैद पहुँचा रहे हैं। कहन लगे कि मजनू का तुसी किस्सा पढ़ के देख लो, मजनू नू लेला दे नाल प्यार सी, हालांकि ये दुनियावी प्यार सीगा। कहिंदे ओ एक कुत्ते दे पैर चुमरिया सीगा, किसे ने पुछया कि मियां मजनू ये तू की करदा है कुत्ते दे पैर चुमरिया है, नमस्कार कर रहा है। वो कहन लग्या हाँ ये कदे कदे लेला दे गली दे विच और लेला दे घर दे अंदर फेरा पाउंदा हुंदा है, प्यारे का प्यारा भी प्यारा हुंदा है। कहिंदे ये तो इंसान है, मेरा फर्ज है कि उस गुरु दे पिंड दे लोकां नाल प्यार करना मुहब्बत करनी। हुण तुसी देख सकते हो कि वो आपदे गुरु दे उत्ते बाबा सावन सिंह जी कितने आशक सन,
कितना उन्हां दे नाल प्यार करदे सन, बल्कि उन्हां दे पिंड दे लोकां दे नाल भी मुहब्बत करदे सन, प्यार करदे सन जी। ऐसी प्रीत लगी जिन गुरमुख, सो सो गुरु अपनाए, तन की लगन हो गए दरी के, छिन में सब बिसराए। आप प्यार ना दसदे है कि लड़कियां गुड़ियां पटोलियां दे नाल उतना चिर ही खेड़ दियां हन जिन्ना चिर उन्हां दी शादी नहीं हो जांदी गी। जद शादी हो जांदी है पति दे चरणां विच प्यार लग जांदा है, कौन गुड़ियां पटोलियां नूं सांभ के रखदा है। इसे तरह विशे बकारां दे अंदर असीं उन्ना चिर ही लगदे हैं जिन्ना चिर उह शब्द नाम नूं असीं प्रगट नहीं करदे, गुरु नूं अपने अंदर असीं प्रगट नहीं करदे गे। जदों गुरु अंदर प्रगट हो जांदा है, नाम प्रगट हो जांदा है, सानू कोई कहे या ना कहे कि तुसी इंद्रियां दे भोगां नूं छड्डो, कहण लगे अपने आप ही छुट जांदे है। अगर आपां किसे मंगण वाले तो भिखारी तो उस दे मंगे हुए पैसे भी थोड़े जे आपां खोण दी कोशिश करिए, वो मरण मारन ते तैयार हो जाएगा कि मैं सारे दिन च मेहनत करके ये पैसे मंगे है या थोड़ा बहुत अनाज मंगया है, मैं क्यों देवां। जे आपां उहदे हाथ विच दसां दा नोट या कोई पाउंड या डालर वगैरह दे दईए, बेशक उसनूं आपां ना भी कहीए कि तू इस वस्तु नूं सिट दे, परे अपने आप ही कौड़ियां वाली मुट्ठी मंगी जिहड़े दाणे है ढिल्ली हो जाएगी। इसे तरह संत महात्मा सानू शब्द नाम दा भेद दिंदे है। जदों असीं कमाई करके अंदर शब्द नाम दे नाल जुड़ जांदे हैं, अपने आप ही विशे बकारां चों साडा मन निकल जांदा है, दुनिया दी मान वडे चों निकल जांदा है, और साडा सच्चा प्यार शब्द नाम दे नाल हो जांदा है जी। तन की लगन हो गए इंदरी के, छिन में सब बिसराए, गुरु की मूरत बसी संग रहाए। कहन लगे इस तरह दा उन्हां दा प्यार दिल दे विच पैदा होया, वो शक्ल अखां दे विच आके वस गई। जिस तरह मैं महाराज सावन सिंह वास्ते कहना हुंदा है कि उन्होंने प्यार ना अपना स्वरूप दिता सीगा, मैं दसदा हुंदा कि अनेकां शक्लां संसार विच तकियां पर कोई अखां दे विच शक्ल ना खुबी उस जैसी। इस वास्ते आप प्यार दे नाल गुरु की मूरत बसी हुई में इत्थे असीं कहांगे कि किस तरह गुरु सारयां दे नाल रह सकदा है। कोई अमरीका उहदा सेवक, कोई यूरोप दे अंदर है, कोई होरां मुल्कां दे अंदर है, किस तरह उह सारयां दे नाल रह सकदा है। इत्थे आके असीं सारे भरम दे विच पै जावांगे, नहीं। महात्मा सानू दसदे है जद असीं सिमरन दे जरिए अपने ख्याल फैले हुए नूं अखां दे पिछे लिआउने हैं, अकागर कर लैने हैं, सूरज चंद्रमा सितारे लंघ के गुरु स्वरूप नूं अंदर प्रगट कर लैने हैं, उह स्वरूप साडे साथ इस तरह फिरदा हुंदा है कि जिस तरह इंसान दा परछावां साथ ही फिरदा है। परछावे नूं आपां इंसान तो अलग करिए उह कदे हो नहीं सकदा गा। इसे तरह अगर असीं इह कहीए कि गुरु दा स्वरूप साथों अलग हो जावे उह कदे हो नहीं सकदा गा। अगर तुसीं सौंगे उह नाल सौंगा, उठोगे नाल उठेगा, थानू साथ में कारोबार करदा नजर विच आएगा। ऐसे बहुत सारे ससंगी महाराज सावन दे वक्त भी मिलदे सन के उन्हां दा एक ससंगी सी जिसका नाम केर सिंह सीगा, जिथों कोई पछम दे अंदर नामदान दा सिलसिला शुरू होया और कारोबार शुरू होया। उन्हां नूं आम तौर दे उत्ते कोई अंग्रेज सज्जन मिलदे सन, वो कहन लगे थोड़े पिछे एक बुजुर्ग चिट्टी दाढ़ी वाला दिसदा है, वो कौन है। कुछ चिर तां उन्हें अपना आप लुकोया, आखिर एक दिन कहन लगे कि वो साडे सतगुरु हन, पंजाब दे विच रहिंदे हन, आखिर जगह दी दस पाई, इत्थों नामदान दा सिलसिला शुरू होया पछम दे अंदर। इसे तरह साडे सतगुरु
महाराज कृपाल के मुतालक भी असी बहुत कुछ सुनते रहे हैं कि किस तरह उन्हों का स्वरूप दुनिया के विच गया, किस तरह लोगों नू सद्या कि भी मैं इस जगह बैठा हैं, आओ मैं थोड़ी इंतजार दे विच हैं। इस वास्ते प्रतख नू की प्रमाण हुंदा है, ऐसा स्वरूप हमेशा ही सेवकां दे साथ रहिंदा है, क्योंकि प्रतख नू प्रमाण देने की जरूरत नहीं। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है उह स्वरूप कदे भी सेवक नू छड़दा नहीं गा। बेशक सेवक कोशिश भी करे कि मैं छड़ देवां, तुसी सोच के देख सकते हो जब गुरु गोबिंद सिंह ने जुल्म दी खातर तलवार नू चुकिया और काफी तादाद दे अंदर उन्हां दीआं फौजां दा नुकसान होया, विरोधी फौजां घेरा पा के बैठ गईयां, लोग खाने पीने तो तंग होए, मजबूर कीता गुरु साहिब नू कि तुसी सुलह कर लो, लड़ाई च फायदा नहीं बादशाह दे नाल। वो कहन लगे तुसी देखो तो सही मालक दे की रंग हुंदे है, लेकिन थानू पता है जब झखड़ आंदा है बड़े बड़े दरख्त टुट जाते हैं। इस तरह जब कोई संत परख करनी चाहते हैं बड़े बड़े प्रेमियों के दिल डोल जाते हैं कि पता नहीं की होने वाला है। आखिर उन्होंने लोगों ने सलाह की कि आप लिख के दे जाओ कि तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। वो कहन लगे जी असी थानू लिख के बेदावा दे जाने हैं। गुरु साहब हस पे, क्योंकि उन्होंने विश्वास हुंदा है कि जो कुछ होना है वह मालक के हुक्म विच होना है, कि सानू ये चार इंसानों ने बचा लेना है। अगर जो कुछ मालक ने करना है वो हुक्म बगैर पत्ते तक नहीं हलदा गा, लेकिन ये विश्वास अंदर जाके आंदा है। वो कहन लगे प्यारे हो तुसी लिख जाओ। उन्होंने लिख के रख दिता कि तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। वो माझे की संगत सी, जब माझे दे विच वो आए घरां दे अंदर सारियां घरवालियां पुछण लगियां कि तुसी आ गए, गुरु साहिब नू कित्थे छड्डे आए, क्योंकि लड़ाई बड़ी जबरदस्त लगी हुई है। वो सारे ने कहा कि वह तो रोज ही जंग जलाद छेड़ी रखता है, असी उसनू लिख के दे आए हैं कि तू साडा गुरु नहीं गा। उन्हां नू बड़ा दुख होया, क्योंकि पति पत्नी का दिल इको जहा नहीं हुंदा, इको जहा कर्म नहीं हुंदा गा। उन्हां सवाणियां दे दिल दे अंदर बड़ा दुख होया। वह कहन लगियां तुसी चूड़ियां वगैरह पहनो, साडे वर्गे वस्त्र पहनो, घरां दे कारोबार करो, असी खुद जानियां है गुरु साहिब दे कोले। आखिर जब वो मालवे देश दे अंदर जेड़े वो बेदावे वाले सी वो खुद ही शर्म खा के वापस आके विरोधी फौजां नाल लड़के शहीद होए, जब एक दो प्रेमी रहिंदे सन, गुरु साहिब ने उन्हां दे कोले आके पुछया, जेड़ा खास मुखिया भाई महा सिंह सीगा, माता भागो सी, उन्हू पुछण लगे क्यों भाई थानू कोई दुनिया का चाहिदा है कि थानू स्वर्ग दे विच लै जाइए, स्वर्ग पवा देइए। लेकिन जो सिख हुंदा है वो गुरु चरणा तो अलावा कुछ भी मंगण वास्ते तैयार नहीं हुंदा गा। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहन लगे नहीं, सिर्फ साडी टुटी गंढ दे जो बेदावा लिखिया है वह पाड़ दे। गुरु साहब हस के कहन लगे महा सिंह आ तू होर कुछ मंग लै, तू आ कागज देख लै, मैं सब कुछ आनंदपुर साहब दे विच छड्डे आया सी, लेकिन ये कागज मैं प्यार दे नाल साथ लई फिरदा हां। कहन लगे इहदे विच इह किते नहीं लिखिया, थोड़ा तो लिखिया है कि तू साडा गुरु नहीं, लेकिन मैं तो सही नहीं पाई कि भी मैं थोड़ा गुरु नहीं गा। इस वास्ते संत महात्मा प्यार दे नाल दसदे है जिहनूं वह नाम दिंदे है, शब्द का भेद दिंदे है, उसनूं वह छड्डदे नहीं, उन्हां दे हमेशा साथ हो लैंदे है, तब तक नहीं छोड़दे जब तक कि उन्हूं सचखंड उसके घर ना पहुँचा दे। सच्चाई तो यह होंदी है कि बांह फड़ के वह उस परमात्मा दे अगे खड़ा कर देंदे है कि यह तेरा जीव है, यह भुल गया सी, भुल बखशाउण वास्ते आया है। यही गुरु का मिलन का फायदा है। वह नहीं गुरु के दो लफ्ज़ साढ़े कन्ना विच पा दिते है और क्या कि तू तीर्थां दे उत्ते नहाउंदा फिर और तेरी मुक्ति हो जाएगी। इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल समझाउंदे है कि नाम जिम्मेवारी हुंदी है, नाम बहुत वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है। गुरु साहिब कहिंदे है जो आप डुब्बे है दूसरे नूं किस तरह तार सकदे है। पहला अपने मन नूं शांत करना है, फिर दूजियां नूं उपदेश देना है।
लेकिन अज का जमाना की है, अवरा को उपदेश से मुख में पड़ है रेत, रास बरानी राख ते खाया घर का खेत। लोगों शांति का उपदेश करते हैं, आपका हिरदा काम नाल, क्रोध न लोह मोह हंकार के नाल सड़िया पिया है। लोगों के घरे बखैला पानी दियां लेके जा रहे हैं, आपके घर विच अग लगी हुई है। लेकिन गुरु साहब अपनी बाणी अंदर दसदे आ, सब तो पहला अपने आप नूं शांति देनी है, अपनी अग बजाउणी है जिहड़ी अंदर काम क्रोध लोह मोह हंकार की लगी हुई है, फिर लोगों नूं असी उपदेश करना है। लेकिन साडी हालत यह हुई है, चूहा खड्ड ना मावी तिकल बद्दा छज, आप ता कोई जगह नहीं बनाई अंदर जाण वास्ते, परमात्मा बूहा नहीं खोलदा, ना असी ओ तरीका ही अख्तियार करते हैं, अपने आप नूं पवित्री करते हैं, लेकिन पिछे संगत दा होर असी दुनिया दा छज बन लैने हैं। लोगों नूं कहने हैं आओ असी तुहानूं तार दिंदे हैं। महात्मा प्यार दे नाल समझाउंदे हैं, बेशक महात्मा दीआं गल्लां खरीआं हुंदीआं हन, कई दफा कष्ट भी आउंदा है, लेकिन कबीर साहिब कहिंदे हैं साधु ऐसा चाहिए सच्ची कहे बनाए, चाहे टुटे चाहे रे बिन क्या भरम न जाए। महात्मा आके सच जरूर बताउंदे है जी। गुरु की मूरत बसी या मर्द का सवाल नहीं गा, जिन्हां ने भी गुरु भगती पूरी की सचखंड पहुंच गए, अपनी आत्मा तो सारे गुलाब ला ले है, कहन लगे उन्हां उन्हां नू नाम अपने विच मिला लैंदा है, शब्द दे विच जज्ब हो जांदे है। आस गुरु भगत करी जिन पूरी ते नाम समा, स्वात बूंद जस रटत पपीहा, अस तुन नाम लगाए। किस तरह का उन्हां दा सिमरन हुंदा है, किस तरह की गुरु की याद हुंदी है, जिस तरह पपीहा स्वांति बूंद वास्ते ही पिरो पिरो करदा है, दरियावां दा समुंदरां दा कितना भी पानी क्यों ना होवे वो प्यासा मर जाएगा, दम तोड़ दिंदा है, वो उसते चुंज नहीं खोलदा गा, वो जानवर भी सोचता है कि मेरी कुल नूं दाग लग जाएगा, जानवर भी अपनी कुल दा लिहाज रखते हैं, लेकिन असी इंसान है, कदे असी भी ये दिल दे विच झाती मारी है कि परमात्मा ने सानू अपनी भगती वास्ते अपने मिलाप वास्ते इंसान का चोला दिता है कि असी इनू शराबा कबाबा विशे बकारा दे विच गुआ रहे हैं कि असी अपने नाल इंसाफ कर रहे हैं। संत सतगुरु सानू नाम दिंदे है, सत्संग सुनाउंदे है, वो प्यार नाल कहिंदे है तुसी पहला सब तो गुरु भगती करो। हुण सवाल पैदा हुंदा है कि गुरु भगती कित्थों शुरू हुंदी है, कित्थे जाके मुकम्मल हुंदी है। मैं उपर भी दस के आया सीगा, सब तो पहला संत सतगुरु कहिंदे आ साडी देह नालों साडे तुसी बचना दी कदर करो, और फिर आपदे फैले हुए ख्यालां नूं तुसी सिमरन दे जरिए इकट्ठा करो। जेड़े भैड़े खोटे ख्याल दिल दे अंदर उठ रहे है उन्हां नूं सिमरन दे जरिए तुसी साफ करो, क्योंकि जदों असी सिमरन करांगे और उस वेले साडे अंदरों अपने आप ही भैड़े ख्याल अंदरों निकल जाते हैं। सिमरन जो है वह झाड़ू का काम करता है, जिस तरह मकान के अंदर आप झाड़ू फेर दईए मकान बिल्कुल साफ हो जाता है, इस तरह जो असं संतां का दिता हुआ सिमरन करते हैं साडा ख्याल अपने आप ही पवित्र होने शुरू हो जाते हैं। इस वास्ते आप कहिंदे कि जदों असी अखां दे पिछे आ जाने हैं, सूरज चंद्रमा सितारे लंघ के गुरु स्वरूप तक पहुंच जाने हैं,
इत्थे जाके साडी गुरु भगती मुकम्मल हो जाती है, पूरी हो जाती है। अगे गुरु का कम है, कोई भी सेवक करके देखे गुरु सब तो पहला उसके जाण तो भी पहला इत्थे मौजूद होएगा। इस तो अगे नाम भगती है, शब्द भगती है जिहड़ी उपरों तों आ रही है, गुरु उसनु पकड़ाउंदा है कि पकड़ भी तू चल अपने घर। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे आ गुर भगती बिन शब्द में पछते सो भी मानुख मूर्ख जान। असी आम तौर दे उत्ते जो गुरु भगती है सिमरन ते जोर नहीं दिंदे गे, वो करदे नहीं गे। सब तो पहला असी शब्द ते जोर दिंदे हैं। इस वास्ते जे शब्द किसे नु सुनाई भी दिंदा है तो उपर नहीं खिंचदा गा। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे आ कि किस तरह का उन्हों का प्यार है गुरु के नाल, किस तरह सिमरन करते हैं, किस तरह याद बनाते हैं। जिस तरह पपीहा स्वांति बूंद वास्ते करता है, कबीर साहब अपनी बाणी च लिखते हैं पपीहे दा पन देख के धीर ज रही नरंच, मरदे दम जल में पड़ा तो न बोड़ी चुंच। कहन लगे एक दफा मैं गंगा के किनारे फिर रहा सी, पपीहे नू प्यास लगी, फिरो फिरो करदा गंगा च डिग पिया हो गिर गया, लेकिन चुंझ नहीं खोली दम तोड़ दिता। कहन लगे मेरे दिल दे उत्ते बड़ा असर होया कि एक जानवर ने भी अपना धर्म पगाया है, असी इंसान बन के की करदे हैं। जी सात बूंद जसे रखत पपीहा अस तुन नाम सुनाई। हुण असीं की हैं कि दुनिया की तरफों जागते हैं, परमात्मा की तरफ तो असीं सुते हुए हैं। जदों असीं गुरु भगती मुकम्मल करके शब्द दे नाल आत्मा नूं जोड़ लेने हैं, और फिर की है तब घट शब्द सुनाए, अपने आप ही शब्द सानू उपर खिंच लैंदा है। मैं दसदा हुंदा हां कि सिमरन दे जरिए असी अपने फैले ख्याल नूं इकट्ठा करना है। आत्मा जद भी परमात्मा दे देह जांदी है शब्द ते सवार होके जांदी है, असी एक दूसरे मंडल नूं शब्द दे जरिए ही पार कर सकते हैं। जी नाम परताप सूरत अब जागी तब काटे शब्द सुनाई, शब्द पाए गुरु शब्द समानी, सुन शब्द सत शब्द मिलाए। आप कहन लगे जब शब्द रूप गुरु नु अंदर प्रगट कर लिया, क्योंकि संत अपनी देह ना किसे नु नहीं जोड़ देगे बल्कि शब्द नाम दे नाल जोड़दे है। जो ताकत जो शब्द उन्हां अंदर कम करदा हुंदा है वो कदे भी महात्मा ने किसे ने दे नाल नहीं जोड़िया गा, क्योंकि दे ना तो इत्थे सेवक दी रहनी है ना गुरु दी रहनी है, ये तो 20-50 साल वास्ते मिली है, इत्थे असी छड़ जानी है। सदा रहण वाली वस्तु केड़ी है? वो शब्द है, नाम है। इस वास्ते महात्मा सानू उह शब्द दे नाल जोड़दे है जिहड़ा उन्हां दे अंदर प्रगट हुंदा है, वो कण कण दे विच व्यापक हुंदा है। इस वास्ते आप कहिंदे आ जदों असीं शब्द रूप गुरु नूं अंदर प्रगट कर लैंदे हैं असीं सूक्ष्म देह संतल कमल दे विच पहुंच जाने हैं, ब्रह्म विच पहुंच जाने हैं, असीं पार ब्रह्म दे विच पहुंच जाने हैं। हौली हौली सतगुर सानूं अपने देश जिथों सचखंड चों आउंदे है उत्थे लै जांदे है। जी शब्द पाए गुरु शब्द समानी, सुन शब्द सत शब्द मिलाए, अलग शब्द और आगम शब्द ले निज पद राधा स्वामी आए, पूरा कर पूरी गत पा कुछ आगे कहा ना
ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਖ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਮਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਉਸ ਨਿਜ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਣ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਥਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੰਗਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੱਖੀ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੰਪ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀਆ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਣ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਨੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਜਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕੋਰ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਅਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਅਗਮ ਸ਼ਬਦ ਲੀ ਨਿਜ ਪਦ ਸਵਾਮੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪੂਰੀ ਗਤ ਪਾ।